भागलपुर जिले के बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना अंतर्गत टीवीएस शोरूम के पास गुरुवार करीब 1 बजे दिन में जगदीशपुर की तरफ से आ रही एक टेम्पो गाड़ी नंबर BR10P4624 पर कुल 35.700 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो जगदीशपुर की तरफ से आ रही टेम्पो गाड़ी नंबर BR10P4624 पुलिस वाहन को देखकर टीवीएस शोरूम के पास टेम्पो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद टेम्पो गाड़ी को थाने लेते आई। वही बाईपास टीओपी जगदीशपुर थाना के थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने जब गाड़ी की अच्छी से तलाशी ली तो गाड़ी में इंपीरियल ब्लू की 750 मिलीलीटर वाला 9 बोतल, 375 मिलीलीटर वाला 70 बोतल और 180 मिलीलीटर वाला 15 बोतल कुल 35.700 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद विदेशी शराब और टेम्पो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। सभी विदेशी शराब पर सेल फॉर झारखंड लिखा हुआ है। इन दिनों कातिल कोरोना को देखते हुए राज्य भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, उसके बावजूद शराब माफिया अपने आदत से बाज नहीं आते हैं और अलग अलग के हथकंडे अपनाते रहते हैं। भागलपुर सिटी से नीलांबुज कुमार झा की रिपोर्ट। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।